गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर कक्षा नाइन्थ की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 61 और तारीख है आज 27 नवंबर 2020। इससे पहले हम हिंदी मीडियम की वर्कशीट आपके लिए ऑलरेडी बना चुके हैं, वर्कशीट नंबर 61। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो वो हिंदी मीडियम में आप उस वर्कशीट को देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इस वर्कशीट को आप पूरा देखिए, तो आपको पूरी अच्छी तरीके से पूरी जानकारी हम यहाँ पर इसके बारे में बताएंगे। कंस्ट्रक्शन यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 11, 11वां चैप्टर है हमारा और इसको हिंदी में रचनाएं भी कहा जाता है। तो आगे यहाँ रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइन सेगमेंट एंड ट्राइंगल्स। आपको लाइन सेगमेंट के बारे में और ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि उसकी प्रीवियस नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो वो सबसे पहले सीखिए, उसके बाद में आप इन चीज़ों को आगे सीख सकते हैं। तो आगे जो इसके अंदर दिया हुआ है तो हम उसको पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर चिल्ड्रंस टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट वी ड्रॉ आर्क बाई टेकिंग एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग ईच अदर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लाइन सेगमेंट बाई ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग वी कैन गेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट। आपको मुझे लगता है कि समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको जैसे यहाँ पर ए और बी लाइन यहाँ पर दी हुई है, लाइन सेगमेंट दी हुई है, तो यहाँ पर ए पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका ए है। इस पॉइंट पर आप यानी कि जो आपका कंपास है, कंपास की जो लोहे वाली नोक होती है उसको यहाँ पर आप रखेंगे और उसके बाद में पेंसिल से यहाँ पर आर्क लगाएंगे, यानी कि उसको मोर देन हाफ लेंगे। मोर देन हाफ यहाँ लिखा हुआ है, डायरेक्ट आप देख सकते हैं, मोर देन हाफ आधे से ज़्यादा लेके यहाँ पर आप आर्क लगाएं। इसी तरीके से बी पॉइंट पर आप यानी कि लोहे वाली कील रखेंगे और दूसरा जो हिस्सा होता है उसको यहाँ पर इससे आर्क लगाएंगे मोर देन हाफ लेके, जहाँ पर दोनों के दोनों कट कर रहे हैं। और इसी तरीके से नीचे की तरफ आप करेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपसे नीचे की तरफ यहाँ कट लगाया इन्होंने, तो इन दोनों को जहाँ पे मिलाएंगे तो ये पॉइंट जहाँ पर होगा, ये पॉइंट ओ इन्होंने कहा, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी और ये परपेंडिकुलर भी होगा, यानी कि 90 का एंगल भी यहाँ पर बनाएगा। तो इस तरीके से यानी कि आप इसको ईजिली समझ सकते हैं, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा हो जाएगा। तो आगे यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे, यहाँ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? टू पार्ट्स में, जैसे यहाँ पर डिवाइड किया गया द लेंथ एंड इट्स परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन सेगमेंट, लेट अस अंडरस्टैंड दैट विद एन एग्जाम्पल। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर। आपको सबसे पहले यहाँ पर लाइन 9.5 AB आपने यहाँ से यहाँ तक खींची, इसके बाद में आपने क्या किया, सॉल्यूशन। अब क्या है इसका सॉल्यूशन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 9.5 AB आपने ली 9.5 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट है टैकिंग, यानी कि जो इसका स्टेप्स कहा जाता है इनको, ये जो सॉल्यूशन 1, 2, 3 लिखा हुआ है ये स्टेप्स हैं। क्या हैं इसके स्टेप्स हैं, जिस जैसे आपने बनाए हैं वैसे वैसे उसको लिखना है। टेकिंग ए एंड बी सेंटर्स रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए 9.5 सेंटीमीटर ड्रॉ टू आर्क्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एंड एट सी एंड डी। तो यहाँ पर आप ए से आर्क लगाएंगे यहाँ और फिर ए से ही आप आर्क लगाएंगे नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ लगाई, एक नीचे की तरफ आपने आर्क लगाया। इसी तरीके से बी पॉइंट से आप आर्क लगाएंगे एक यहाँ और एक यहाँ, जहाँ पर वो दोनों के दोनों कटते हैं उन पॉइंट्स को यानी कि आप दोनों को मिला देंगे। तो ये यानी कि ए बी लाइन को, जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसको ओ पॉइंट पर कट करेगी, ओ ए ओ और ओ बी की जो लेंथ है वो इक्वल आएगी और ये परपेंडिकुलर होगा, नहीं यानी कि 90 का एंगल होगा। आप इसको डी के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। अब आगे तीसरा पॉइंट था ज्वाइन पॉइंट सी एंड डी, जो हमने ऑलरेडी ज्वाइन करके यहाँ पर दिखा दिया। फोर्थ, सी डी इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, जो सी डी है वो ए बी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो इस तरीके से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे यहाँ पर आपको सेकेंड क्वेश्चन कहा है, चिल्ड्रंस हु नो दैट द ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स और 3 एंगल्स, यानी कि आपको 3 साइड्स और 3 एंगल्स दिए होते हैं किसी भी ट्राइंगल के लिए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल वी मस्ट नो
वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द मेजरमेंट, यानी कि किसी भी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी कि बनाने के लिए, रचना करने के लिए, तो आपके पास में ये कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। पहला यानी कि थ्री साइड्स आपको ऑलरेडी गिवन हो, या फिर आपको दो साइड्स गिवन है और या उनमें से एक एंगल आपको उनके बीच का एंगल गिवन हो। तीसरा, टू एंगल्स आपको गिवन है और उनके बीच की जो लाइन है वो आपको गिवन है। या फिर फोर्थ, आपको हाइपोटेनस गिवन है, ए लेग इन ए केस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, और यानी कि एक साइड आपको गिवन है। तो इस तरीके से आप उनका इजीली बना सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। अब इनमें से हम एक को लेके चलते हैं और यहाँ एग्जांपल यहाँ पर इसका दिखाते हैं। सेकंड एग्जांपल है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर, यानी कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी एक साइड 5.5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो यानी कि इक्विलेटरल की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा तो यानी कि उसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होती हैं, जिसको इक्विलेटरल को हिंदी में क्या कहा जाता है, समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। अब सॉल्यूशन, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल सो इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर होगा। अब कंस्ट्रक्शन हम लिख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन फर्स्ट पॉइंट कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ड्रा लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ लेंथ 5.5। सबसे पहले आप बनाएंगे 5.5 सेंटीमीटर, आपने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ एक लाइन सेगमेंट ली, इसके बाद पी बी पॉइंट को सेंटर मान के आपने क्या किया, यहाँ से आर्क लगाई, कितनी ओपन कर 5.5, यानी कि जो बी सी की लेंथ है उतनी उसके इक्वल हमने कंपास को ओपन करके यहाँ पे आर्क लगाई। फिर सी पॉइंट को सेंटर मान के इसी तरीके से हमने सेकंड आर्क लगाई, वो भी 5.5 सेंटीमीटर ओपन कर। तो जहाँ पर ये दोनों के दोनों काटते हैं वो पॉइंट हो जाता है हमारा ए। फिर हमने यहाँ पर ए और बी को मिलाया और फिर इसके बाद में ए और सी को मिलाया। अब यहाँ जो हमने मिलाया है यानी कि जो ज्वाइन करा है, तो यहाँ पर उसी को यहाँ पर हम लिख रहे हैं, टेकिंग बी एंड सी द सेंटर एंड द रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, ड्रा आर्क विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए। तो दोनों के दोनों कहाँ पर काटते हैं, ए पॉइंट पर काटते हैं। जॉइन ए एंड बी एंड ए ए टू सी ट्राइंगल ए बी सी इज ए रिक्वायर्ड ट्राइंगल, जो हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो हमारी ए बी सी ट्राइंगल बन चुकी है। तो इस तरीके से हम इसको ईजिली बना सकते हैं। आगे यहाँ पर आपको ट्राई यूर सेल्फ में तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, करके देखें, तो इन सवालों को मैं आगे भी आपके कराने वाला हूं। उससे पहले यहां पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज आपको दिया जा रहा है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का मींस कैब मैसेज आपको दिया जा रहा है, वॉश योर हैंड्स विद सॉप एंड वाटर रेगुलरली, यानी कि पानी और साबुन से अपने हाथों को रेगुलर धोते रहें, जैसे यहां पर पिक्चर में भी आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ट्राई योर सेल्फ का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ड्राई ट्राइंगल पी क्यू आर विद पी क्यू इज्क्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 3.5 सेंटीमीटर, पी आर 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस। तो ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है, तो वो आपको बताना भी है और यहाँ पर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं कि सबसे पहले आपने यहाँ पर क्यू आर यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर ली, आपने पहले सेंटर वाला ले लिया, यहाँ पर Q ले लिया, यहाँ पर R, ये 3.5 सेंटीमीटर। तो आपने 3.5 QR ली, उसके बाद में आपने क्या किया, Q को सेंटर मानकर हमने 4 सेंटीमीटर लेंथ की, Q को सेंटर मानकर 4 सेंटीमीटर क्या किया, हमने आर्क लगाई, 4 सेंटीमीटर प्रकार को ओपन कर आर्क लगाई। इसके बाद में PR को भी 4 सेंटीमीटर, तो फिर R को सेंटर मानकर, फिर R को भी सेंटर मानकर यहाँ पर हमने भी 4 सेंटीमीटर की यहाँ आर्क लगाई। फिर हमने क्या किया, इनको ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद में आप यहाँ क्यू और आर आपका यहाँ, तो थर्ड पॉइंट कौन सा होगा, पी होगा, तो यहाँ पर ये भी 4 सेंटीमीटर हो गई, ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर हो गई। ये ट्राइंगल कौन सी है आपकी, यानी कि दो साइड्स इक्वल जिसमें होती हैं उसको क्या कहा जाता है, जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं उस ट्राइंगल को क्या कहा जाता है, आइसोसेल्स ट्राइंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसोसेल्स ट्राइंगल उसको कहा जाता है। तो आइसो सेल्स ट्राइंगल, ये हमारी आइसोसेल्स ट्राइंगल हो जाएगी। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन कहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ड्राई लाइन सेगमेंट ऑफ लाइन 10.3 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे वहाँ पर 9.3 का कहा है, इसी तरीके से यहाँ पर 10.3 का हम कर सकते हैं। कोई भी लेंथ की हमें अगर लंबाई के लिए कहा जा रहा है तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर ये हमने मान लिया कि ये 10.3 की हमने लाइन यहाँ कंस्ट्रक्ट की 10.3 की, वन सेकेंड, 10.3
थ्री लंबाई की हमने ये कंस्ट्रक्ट कर ली। अब इसके बाद में हमें इसका बाइसेक्ट करना है, तो यहाँ पर हमने इसका कोई भी नाम रख दिया, यहाँ ए रख दिया, यहाँ पर बी रख दिया। अब कंस्ट्रक्ट करना है तो ए पॉइंट को सेंटर मानकर एक आर्क ऊपर लगाएंगे मोर देन हाफ लेके, और एक आर्क यहाँ लगाएंगे मोर देन हाफ लेके, यानी कि आधे से ज़्यादा लेकर। फिर बी को सेंटर मानकर मोर देन हाफ प्रकार खोलेंगे और यहाँ पर आर्क लगाएंगे, जहाँ पर ये क्रॉस हुए उनको मिलाएंगे। मिलाने के बाद में आप यहाँ ये जिस पॉइंट पर कट रही है, इस पॉइंट का नाम जैसे सी रखा, इस पॉइंट का डी रखा आपने, यहाँ पर जहाँ पर कट रही है यहाँ एम रख लो या ओ रख लो, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, यानी कि ए एम की लेंथ और एम बी की जो लेंथ होगी वो इक्वल आएगी, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, 90 का बनेगा। तो ये कहलाएगा हमारा जो सी डी है ए बी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। अब जैसे जैसे हमने इसको बनाया है वैसे वैसे इसके स्टेप्स आपने लिखने, जैसे ऑलरेडी वहाँ पर पीछे लिख के आपको दिखा रखा है उसी तरीके से आपने लिखना है, सिर्फ यहाँ पर नंबर्स को चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना है आपने। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4.3, जैसे एग्जाम्पल में अभी कहा है आपसे, तो इसी तरीके से 4.3 का आपने लेना है। तो किस तरीके से आप बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी सी डी, ए बी बी सी और सी ए, जो तीनों साइड्स हम मान लेते हैं तो वो तीनों के तीनों इक्वल होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक यहाँ पर 4.3 की हमने कोई भी यानी कि लाइन सेगमेंट हमने खींच ली, यहाँ पर इनके नाम कुछ भी हम रख सकते हैं अपने अनुसार, यानी कि अल्फ़ाबेट्स में से। तो यहाँ पर हमने ए, यहाँ हमने बी रख दिया। इसके बाद में यहाँ पर ए को सेंटर मान के हमने 4.3 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर, यानी कंपास को ओपन कर हमने क्या किया, ऊपर की तरफ एक आर्क लगाई 4.3 ओपन कर। इसी तरीके से बी पॉइंट को सेंटर मान के भी हमने 4.3 की आर्क हमने लगाई, फिर इसको क्या किया हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने पर जहाँ ज्वाइन हुआ हमारा, ये ज्वाइन होने के बाद में ये इस तरीके से ज्वाइन हो रहा है, यहाँ पर ये 4.3 हो गया, ये भी 4.3 हो गया। अब जिस पॉइंट पर कट किया वो ए और बी, और यानी कि ये हमारा सी आई, यानी कि हमारा हो जाएगा जहाँ पर ये कट करेगा, तो सी ए को मिलाया और ए यहाँ पी और सी को हमने ज्वाइन करने के बाद में ये हमारा ट्रायंगल जो बना, ये ट्रायंगल बन गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी, जिसकी साइड 4.3 और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो बिल्कुल कंपास से आप बनाएंगे तो बिल्कुल एक्सैक्ट यहाँ पर आएगा। यहाँ हमने आपको एक रफली स्केच आपको बना के दिखा दी, तो इस तरीके से जैसे हमने बताया वैसे ही आप अपनी कॉपी में ट्राई कीजिए। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चे इसको इसी तरीके से अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और सभी बच्चे इसको इजीली सॉल्व भी कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रही हमारी नेक्स्ट वीडियो तक, आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।